हाय स्टूडेंट तुम मैंने कमेंट कर मैडम फास्ट ईयर वीडियो अपलोड करूँ तो एबे हूँ लॉकडाउन रो समय तो लॉकडाउन रे आमे माने माने सब टाइम मिलूनी आमको तो जैसे भी आमको टाइम मिलूँ तो से दिन भितर आम सेकेंड ईयर पाठ भी पढ़ाऊे तो फास्ट ईयर पाठ भी पढ़ाऊे तो फास्ट ईयर रो तो मैंने किसी व्यस्त बा किसी दरकार ना तो फास्ट ईयर जैसे आम सिलेबस अच्छी ताकू आम निहाती कंप्लीट करवा। तो स्टूडेंट तुम मैंने मो वीडियो को पसंद कर तुम मैंने खोजुच मैडम वीडियो अपलोड करूँ तो से मत बहुत खुशी लगुच तुम मैंने मत खोजुच तो आम मत सेमती भल पाइबा दौथा आम चैनल को मत सेमती भल पाइबा दौथा तो मुझे कहवाक चाहूँगी आम चैनल को सब्सक्राइब कर और तुम सांग मानक सेयार कर आउ से कहुचे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ बेल आइकन टी को दबाईदेवे कारण तो सर्वप्रथमें से हिं नोटिफिकेशन पहुँचबा से वीडियो फास्ट अपलोड हम जो मैंने नोटिफिकेशन बेल आइकन को टच करेंगे। तो फास्ट आम टॉपिक आम प्रीवियस वीडियो में करथिले जे सेट रो किसी कॉन्सेप्ट विषय में क्लियर होते तो आज आम सेट रो फास्ट एक्सरसाइज 2A को कंप्लीट करवा एक्सरसाइज विषय में फास्ट जानिबा। तो एक्सरसाइज 2A रो फास्ट आम 1 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी कंसीडर 5 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सेट माने तारे सेट रो केतरा एग्जांपल उडा हमें दबा तो सेकंड रो भी सेमती सेट रो केतरा एग्जांपल मागी छी 3 नंबर 4 नंबर भी सेम क्वेश्चन रही छी। तो 4 नंबर कौन रही छी 4 नंबर हमर केतरा वर्ड दै छी एडमिनिस्ट्रेशन मिस रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स कॉन्करेंस डेमोंस्ट्रेशन तो से पाँचटा जो वार्ड देछि हमको से पाँचटा वार्ड रो हमें सेट गुड़ा बाहर करिया माने तार जति लेटर अच्छी तो सेटा को हमें सेट हिसाब रे देखैबा। 6 नंबर हमर कोन अछि सेट द रीजन विथ रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट व्हिच आर नॉट माने केटा सेट हबो केटा सेट हबो नाही मु तुमको फास्ट सेट जेते कांसेप्ट क्लियर करथिनि सेते तुम बुझैथिनि केटा सेट हबो केटा सेट हबो नाही तो सेही अनुसार तुम जानिबो जे केटा सेट हबो आ केटा सेट हबो नाही। 7 नंबर क्वेश्चन तुम कौन अच्छी राइट द फॉलोइंग सेट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट तुमको यहाँ दे 7 नंबर तुमको यहाँ दे रूल फॉर्म दे तुम कन्वर्ट कर टेबुलर फॉर्म को तार सेट बिल्डर फॉर्म दे तुम रोस्टर फॉर्म रे माने कन्वर्ट कर। तो 8 नंबर सेमती कौन दे राइट द फॉलोइंग सेट्स इन इंटेंशन और स्पेसिफिकेशन फॉर्म माने रूल फॉर्म रे देछि तुम टेबुलर फॉर्म रे करियो सेटा देथिला कोन रूल फॉर्म देथिला टेबुलर फॉर्म करियो एटा टेबुलर फॉर्म देछि रूल फॉर्म करियो बा रोस्टर फॉर्म देछि सेट बिल्डर फॉर्म करियो। 9 नंबर सेमते कोन रही छि 9 नंबर रही छि जे एस ए सबसेट ऑफ बी सेट बाहर करियो सबसेट ऑफ तुम बुझैथिनि कोन सबसेट का कोनती कोन नाही तो सेटा कोन अछि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सेटा तुम बाहर करियो 9 नंबर क्वेश्चन रे। 10 नंबर क्वेश्चन कोन रही छि 10 नंबर हमर सही सेम क्वेश्चन रही छि 11 नंबर कौन क्वेश्चन रही 11 नंबर दे ट्रू और फॉल्स केटा तुम्हें बाहर करियो केटा ट्रू और केटा फॉल्स सेटा बाहर करियो विथ तार रिजन सहित तार कारण मध्य दर्शाइबो। तो 12 क्वेश्चन हमर कौन रही राइट डाउन द पावर सेट आम बाहर करिया। तो पावर सेट तुमको मु कहितनी धर आम गोटे एग्जांपल ना पावर सेट 12 नंबर धर आई आम क्वेश्चन कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 12 रो आईटा क्वेश्चन नंबर कौन अच्छी ए बी सी आमर सेट गोटे अच्छी लेट आईटा को आम नवा ए इक्वाल टू ए सेट आम धर ना ए बी सी तो यहाँ को आम कौन करते कही पावर सेट बाहर करते कही। तो पावर सेट मैंने कौन करें पी ए बाहर करवा पी ए फॉर्मूला में जानते 2 रो पावर एन एन हूँ कौन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स हमारे केतरा अच्छी 3टा एलिमेंट अच्छी गोटे हूँ ए गोटे हूँ बी गोटे हूँ सी तो 3टा एलिमेंट अच्छी तो 3टा एलिमेंट अच्छी मैंने आम कौन करिया 2 रो पावर एन अच्छी 2 रो पावर एन जगह आम के लिखा 3 लिखा तो 2 रो पावर 3 तो 2 रो पावर 3 जे के आसो 8 आसो तो हमर पावर सेट रो एलिमेंट केतरा आम रहइबो 8टा रहइबो तो पावर सेट हमर केते आसला 8 आसला तो सेमते हमर 2i 3i क्वेश्चन i भी मते रही छी तो सेडा तुम माने करिया पे ट्राई करिवो। तो नेक्स्ट हमर कोन अछि 13 नंबर कौन अच्छी प्रूव दैट पी ए सबसेट ऑफ पी बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी यदि ए 13 नंबर हमर क्वेश्चन कौन अच्छी यदि इफ ए सबसेट ऑफ बी हुए टू प्रूव करिवा जे पी ए सबसेट ऑफ पी बी यदि ए सबसेट ऑफ बी हबो ताने में प्रूव करिया कौन ना पी ए सबसेट ऑफ पी बी हबो। तो लेट आम सल्यूशन बाहर करवा solution. Let x belongs to आमे नेले x belongs to p a नेले यदि x belongs to p a हवा ताने x belongs to किस हवा a हवा x belongs to a हवा implies x belongs to b आमे लिख परिवा जेहेतु a सबसेट ऑफ b जेहेतु a सबसेट ऑफ b ताने x belongs to a जगह आमे लिख परिवा x belongs to b बोली लिख परिवा तो x belongs to b लिखिने आमे लिख पारिबा x belongs to pb pb आमे लिख पारिबा तो एठी हला x belongs to pa एठी हला x belongs to pb तो एटा आमे लिख पारिबा कोन सो pa सबसेट ऑफ pb लिख पारिबा तो एटा हमर प्रूव हेला pa सबसेट ऑफ pb तो हम क्वेश्चन रे कोन देथला इफ a सबसेट ऑफ b होए तने हमें प्रूव करिए कौन पी ए सबसेट ऑफ पी बी हम तेना प्रूव करदे। तो नेक्स्ट आम 14 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे आम देखा 14 नंबर आम क्वेश्चन कौन अच्छे तुमको किसीटा सेन्टेन्स देती तो सहीटा को आम क्वेश्चन आम मागिच कौन ह्वाट आर द कार्डिनल नंबर ऑफ दि फॉलोइंग सेट्स तो फॉलोइंग सेट्स के थोड़ा देती तो सही कार्डिनल डिसाइड बाहर करें कार्डिनल डिसाइड कौन तो कार्डिनल डिसाइड आम जानते टोटाल नंबर ऑफ सेट जितना थोड़ा से कार्डिनल डिसाइड आम बाहर करिया तो धर आम गोटे गोटे सेट बाहर कर कार्डिनल सेट कार्डिनल सेट फास्ट आम धर गोटे बाहर करवा धर ए सेट गोटे नेले ए आ गए अच्छी ए बी ए रे कार्डिनल सेट आम बाहर करवा तो ये फास्ट गोटे कौन अच्छी ए अच्छी गोटे एलिमेंट आ गए ए बी हूँ आउ गोटे एलिमेंट कहीं आम ए बी को दुटा एलिमेंट बोली कहीपरि कारण एटा गोटे सेट भितर दुटा होगी आम गोटे एलिमेंट बोली ना तो ये ए गोटे एलिमेंट है आ गए ए बी गोटे एलिमेंट है तो ये टोटाल एलिमेंट के हम टू हम तो ए रे कार्डिनल के हम टू हम जब आम ये होता ए इक्वाल टू ए बी खाली ए बी होते ये भी सही ए रे कार्डिनल के होता टू होता तो सेमती आम क्वेश्चन अच्छी कार्डिनल नंबर बाहर करिया। तो नेक्स्ट आम क्वेश्चन कौन रही 2i रे क्वेश्चन अच्छी फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ सेट ए सच एज सच दैट ए रे कार्डिनल ए हम जिते कि ए रे कार्डिनल ए हम से आम नेचुरल नंबर गोटे नहीं एग्जांपल गोटे बाहर करते देती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एक्स एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वाल टू जीरो तो ये आम सल्व करिया फास्ट सल्व करके एक्स रो वैल्यू बाहर करिया जेटा एक्स रैल्यू हम से तार कार्डिनल सेट हिसाब से बाहर कर। 15 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड व्हिच आर इनफाइनाइट केटा फाइनाइट सेट आउ केटा इनफाइनाइट सेट से बाहर कर। तो फाइनाइट सेट क्या कहते जेटा कि आम काउंट करपर काउंटेबल जेटा से फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या जेटा आम काउंट करपर ना से इनफाइनाइट सेट धर आम गोटे एग्जांपल ना फाइनाइट सेट रो आउटे इनफाइनाइट सेट रो आम गोटे थोड़ा एग्जांपल लबा धर आम ए सेट गोटे नेले 1 2 3 4 एटाक आम काउंट करें तो यहाँ आमर काउंटेबल सेट जब आम आउ गए एग्जांपल ना बी बी सेट गोटे ना 1 2 3 अप टू एन तो यहाँ को आम काउंट करना एन संख्यक ये संख्या अच्छे तो यहाँ को आम काउंट करना किंतु ये केतरा थिला चारटा संख्या थिला 1 2 3 4 एटा को मैं काउंट करि पाले एटा को मैं काउंट करि पारु ना है तो सेटा हला एटा हला फाइनाइट सेट एटा हला हमर कोन इनफाइनाइट सेट तो एटा को 15 नंबर हम क्वेश्चन कोन देछि केडा इनफाइनाइट सेट केडा फाइनाइट सेट सेटा बाहर करिया। तो 16 नंबर हम क्वेश्चन कोन देछि वेरीफाई दैट माने प्रूव करते दे जे p5 तो कार्डिनल डी इक्वाल टू 2 रे पावर 0 तो ये बाहर करिया बे p5 कार्डिनल डी इक्वाल टू 2 रे पावर 0 लेट आम ए इक्वाल टू नेले 5 ए इक्वाल टू 5 नेले तने पी ए पावर पावर सेट आम बाहर करने रूलटा कौन थी 2 रो पावर एन थी तो 2 रो पावर एन माने कौन एन रो वैल्यूटा कौन एन रो हूँ कौन जेतकी हमर टोटल जेतकी एलिमेंट थिबो सेटा होय हमर कोन ए एन तो 2 रे पावर एन एडी 5 अछि 5 माने कोन एम्प्टी सेट तो एम्प्टी सेट माने एठी केते तर टोटल एलिमेंट केते होबो 0 होबो तो 2 रे पावर एठी केते होबो 0 होबो 2 रे पावर 0 जे कोन 1 तो पावर सेट रे हमर कोन रहबो 1 रहबो तो पी ए जदि 2 रे पावर 0 होबो तन पी 5 मध्ये केते होबो 2 रे पावर 0 होबो 2 रे पावर 0 तो पी रे पी 5 रे कार्डिनलिटी केते होबो पी 5 रो कार्डिनलिटी से 2 रे पावर 0 तो हम कोन वेरीफाई करते कोन देथिला पी 5 रो कार्डिनलिटी इक्वल टू 2 रे पावर 0 हम बाहर करा पी 5 रो कार्डिनलिटी इक्वल टू 2 रे पावर 0 तो समते आउर केते क्वेश्चन अछि तो तमने करिया पे फेर ट्राई करबो तो नेक्स्ट हमर क्वेश्चन कोन रहि छि 17 नंबर क्वेश्चन कोन रहि छि फाइंड द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स माने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हम केतरा बाहर करिया धर 17 नंबर फर्स्ट हमर क्वेश्चन अछि कोन क्वेश्चन नंबर आई रे फर्स्ट कोन अछि पी पी ए पी पी 5 रो केतुरा एलिमेंट अछि हम सेटा जानिबा माने नंबर ऑफ एलिमेंट हमर केतुरा अछि से सेटा में जानिबा तो फर्स्ट में पी 5 बाहर करले 16 नंबर क्वेश्चन में पी 5 बाहर करछे तो एटा में लिख परिबा पी पी 5 हम केते बाहर करले वैल्यू 1 तो 1 लिख परिबा एटा में तो पी पावर सेट बाहर करे पे हमर कोन अछि रूलटा 2 रे पावर n तो एठमे लिख परबे 2 रे पावर 1 तो 2 रे पावर 1 जे कोन होबो 2 होबो त नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमर केतरा रहइबो दीटा रहइबो तो समते थरा आ गुटा में नंबर 17 नंबर 2 रे कोन अछि क्वेश्चन दा p p p5 p p p5 एटा हमर 17 नंबर 2 क्वेश्चन अछि तो हम p p5 डा बाहर करछे तो एटा में लिख परबे p p5 जगह लिख परबे ना 2 बोली तो पी 2 ही जीव तो पावर सेट रो रूलटा कोन अछि 2 रे पावर n तो 2 रे पावर एट करते हो 2 होबा तो 2 रे पावर 2 जे कोन होबा 4 होबा तो समते 3 रे भी समते भरिबो तबरे 18 नंबर क्वेश्चन नंबर कोन अछि 18 नंबर क्वेश्चन जे प्रूव बाय मेथड ऑफ इंडक्शन दैट इफ a हैज n एलिमेंट यदि a रो एलिमेंट n संख्यक होय थाए तने हम बाहर करिया कोन मेथड ऑफ इंडक्शन अनुसार बाहर करिवे जे p a रो कार्डिनलिटी इक्वल टू 2 रे पावर n तो मेथड ऑफ इंडक्शन हम जान चैप्टर 5 रो मेथड ऑफ इंडक्शन हमर अछि मैथमेटिकल इंडक्शन तो सही कुछ सेटा में पढला बेले क्वेश्चन रो बहुत भल से बुझ पारे तो एबे में से क्वेश्चन को जिबा किछ दरकार नै तो हम चैप्टर 5 पढला बेले से क्वेश्चन रो आंसर हम बाहर करिया तो नेक्स्ट हमर क्वेश्चन कोन अछि क्वेश्चन नंबर 19 टा कोन अछि कैन यू से हाउ मेनी एलिमेंट्स पी पी ए हैज इफ ए हैज एन एलिमेंट यदि पी पी ए रे पी हमें कोन दै छी 19 नंबर क्वेश्चन टा कोन दै छी पी पी ए बाहर करिया पी पी ए बाहर करिया जतल के हमर कोन दै छी सिंस ए इक्वल टू कते दै छी एन यदि a इक्वल टू n हबो तने हम कोन बाहर करिया p p a बाहर करिया तो फर्स्ट में p a बाहर कर दवा p a में केते हबो हम जानते कोन 2 रे पावर n हबो तो जेतु a भी n अछि तो कोन हबो 2 रे पावर से n हबो तो p p a कोन हबो p p a तो 2 रे पावर n हबा कथा जेतु p a हमर 2 रे पावर n आसी तो कोन हबो 2 रे पावर n हमर केते आसला पी पी आसला केते 2 रे पावर n तो अबे हमें एक्सरसाइज 2 एटा को कंप्लीट करले तो नेक्स्ट हमें सेट रो आउ किछि विषय रे जानिबा तो नेक्स्ट हमें तार एक्सरसाइज करिया तो जदि तुम मन को वीडियो टी भल लागि थाए त वीडियो टी को लाइक करंतु एवं हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु तो वीडियो रे एंड रे प्लस 2 फर्स्ट ईयर मैथ रो प्लेलिस्ट आस्तबो तो जदि तुम माने पूर्व वीडियो गुडा को देखिना तो प्लेलिस्ट को बने पूरा फास्ट टू टिल नाउ पर्यंत वीडियो गुडा को देखि पारिबो।